राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा ब्यावर ने राज्य के पेंशनर्स को 65, 70 व 75 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन देने की मांग की है। अपनी मांग को लेकर शाखा पदाधिकारियों ने शुक्रवार को राज्य के सीएम अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी राहुल जैन को एक ज्ञापन दिया। एसडीएम जैन को दिए गए ज्ञापन में शाखा पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य में वर्तमान पेंशन व्यवस्था के तहत 80 वर्ष पर 20%, 85 वर्ष पर 30%, 90 वर्ष पर 40%, 95 वर्ष पर 50% तथा 100 वर्ष पर 100% अतिरिक्त पेंशन व्यवस्था चल रही है। शाखा पदाधिकारियों ने बताया कि आज के इस जीवन काल में 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने वालों की संख्या बहुत कम होती है, अतः आपसे निवेदन है कि 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5%, 70 वर्ष पर 10% तथा 75 वर्ष पर 15% अतिरिक्त पेंशन की व्यवस्था को और लागू किया जाए तथा पूर्व व्यवस्था को यथावत रखा जाए। ज्ञापन देने वालों में शाखा अध्यक्ष नारायण सिंह पंवार, हाजी गुलाम सरवर, भंवरलाल भट्ट, दुर्गालाल जागृत, मिठनलाल कूप सिंह रावत, हेमंत दीक्षित, पीएन बलदुआ, देवीलाल भीम सिंह, मनमोहन जोधावत, बालू सिंह, ओम सिंह, जफूराम भाटी, ओम प्रकाश अग्रवाल, मदन लाल अग्रवाल तथा शिव प्रसाद शर्मा सहित अन्य सदस्य तथा पदाधिकारी शामिल थे। हमारी ये मांग है कि राज्य सरकार अभी व्यवस्था के अनुरूप जो है 80 वर्ष की अवस्था पे 20% पेंशन देती है, 85 पर 30, 90 पर 40, 95 पर 50 और 100 वर्ष की उम्र पर 100% दुगनी पेंशन हो जाती है। हमारी ये मांग है कि 80 वर्ष की उम्र में बहुत कम हमारे पेंशनर भाई बहन पहुंच पाते हैं। सरकार से हमारी ये मांग है कि 65 वर्षों पर 5%, 70 वर्षों पर पूरा होने पर 10% और 75 वर्ष पूर्ण होने पर 15% अतिरिक्त पेंशन हम ही पेंशनरों को दी जाए। इसके लिए जयपुर में एक सांकेतिक रैली निकाल करके हमने 6 माह पहले राज्य सरकार को इस बात की मांग करी है और आज संपूर्ण राजस्थान में ये ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय को दिया जा रहा है।